नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने शो पाथ ऑफ सक्सेस। तो आज के हमारे शो में हमारे बीच हमारे सक्सेसफुल पर्सन है आदरणीय जितेंद्र मोहन शर्मा जी, जो एक टेक्निकल इंजीनियर है, जिन्होंने 2008 में अपनी टेक्निकल इंजीनियर से है ना सेवानिवृत्त होकर अपने कार्य कर रहे हैं। भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस शो में। वेलकम। तो जैसे सबसे पहले हमारा आपसे प्रश्न है कि ऐसी कौन सी चीज या ऐसी कौन सी बात आपको अच्छी लगी जिसके कारण आप इस संस्था से जुड़े? मैं मंडी शहर में हिमाचल में रहता हूँ, तो एक मंडी में गांधी भवन में ईश्वर विश्वविद्यालय की वो पाठशाला के बारे में बता रहे थे और इसके बारे में, तो मैं और अपने मेरी युगल आशा शर्मा वो भी साथ थी, तो दोनों ही जैसे ही हमने उसमें गांधी भवन के अंदर पैर रखा तो नरेंद्र भाई जी हमें मिले और उन्होंने अपना पूरा परिचय दिया पहले, क्योंकि वो मेरी मिसेज आशा शर्मा के स्टूडेंट भी थे और उन्होंने पूरा वृतांत जो है पूरा बताने में 15-20 मिनट लगा दिया। और उसके बाद ही उन्होंने कहा कि आप हमारे आश्रम में आइए, और मैंने कहा कहाँ आश्रम, तो उन्होंने बताया, तो मैं तो मंडी का लोकली था, तो गया तो था 1974 में, मतलब एक बार तो देखा था, परंतु वो कमरे छोटे से कमरे में देखा तो कोई खास अनुभव नहीं हुआ, परंतु कोई परिचित या रेवन्यू ऑफिसर हमें उसका बता रहे थे, हाँ, तो हम उससे ज़्यादा प्रभावित हुए। और फिर मैंने कहा ठीक है, कहते सुबह आपने 5 बजे आ जाना वहाँ, मैं कह 5 का तो नहीं मैं कह सकता, पर फिर भी कोशिश करूँगा, पहुँच जाऊँगा। तो साथ में उन्होंने कहा भाई एक इंजीनियरिंग ग्रुप जो हमारा जा रहा है माउंट आबू में, तो आपको वहाँ जाके ठीक इसका परिचय वहाँ मिलेगा और आप खुद अनुभूति करेंगे कि आप किस संस्था से जुड़े हैं। तो इन्हीं बातों से हम शाम को चले गए। सुबह मैं घर से निकला, मैंने कहा जाना, मैडम ने तो ड्यूटी जाना था, तो मेरी ड्यूटी तो 10 बजे स्टार्ट होती है, तो मैं जैसे ही 5 बजे गया वहाँ तो देखा तो बहनें थी और बड़ी बहन शीला बहन भी थी बैठी हुई, तो मैं आराम से पहले सुना और इन्होंने इंद्र भाई जी ने पूरा मेरे को उसी टाइम बता दिया कि आप कहाँ अभी यहाँ बैठे हैं, अभी थोड़ी देर को आप कहाँ पहुँच जाएंगे, और वो मैंने अनुभव किया और मैं जैसे ऊपर ज्योति से परिचय करता हुआ पहुँच गया। और मैं उसी टाइम ही पड़ा हुआ नहीं, मैं कि मैं तो ऐसे सीधे कपड़ों में बिना नहाए धोए आ गया, तो ये तो संस्था बड़ी साफ सुथरी और वो लग रही है, तो इसमें तो ऐसे बिना नहाए धोए और ऐसे सादे कपड़े पहन के आना अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने कहा ठीक है भाई जी, हम यहाँ नहीं पर हमारी बुकिंग जो है आप कर दीजिए तो हम जाएंगे। तो इंजीनियरिंग ग्रुप में गए तो वहाँ बड़ा अच्छा लगा अनुभव हुआ, तो उसी के साथ समय जैसे गए मैं और युगल गए तो वही 95 की बात थी, तो अच्छा लगा, उन्होंने अच्छा रिसीव किया, क्योंकि मैं कई संस्थाओं में पहले भी आया हूँ, फिर वहाँ जैसा माहौल या पिन ड्रॉप साइलेंस ऐसी नहीं देखी थी, ना अखबार पढ़ने का समय वहाँ, ना मोबाइल सुनने का समय, ना किसी बातचीत करने का, तो उससे हम प्रभावित हुए दोनों, मैं और मेरी युगल आशा शर्मा, तो उससे हम इसी में संस्था में आने, जैसे भी हमें नौकरी से समय मिलता था बीच में भी यहाँ भी आते थे, माउंट आबू भी जाते थे, फिर ORC, फिर सोनीपत वगैरह जहाँ भी, इवन अमेरिका में भी 15 अगस्त को मैं 2011 में जाना हुआ मेरा, तो मैंने देखा कि काफ़ी बड़ी एक झांकी निकल रही है, 15 अगस्त है और मेरा जन्मदिन भी था, मैंने कहा फिर तो पूरा अटेंड करना चाहिए, तो मेरे साथ और भी थी मेरी फैमिली में से भी थी, तो मैंने कहा देखो ओम शांति, मैं मामा बाबा यहाँ भी मैं क्या, मैं देखो कैसे अचानक मिलन करा दिया मतलब, और हम फिर काफ़ी देर तक चलते रहे उनके साथ, वहाँ भोजन वगैरह था उनका तो वो भी लिया, तो काफ़ी मतलब उत्साह रहा वहाँ, तो वहाँ उन्होंने कार्ड दिया कि भाई जी आप पंजाब से हैं तो आइए आप हमारे, परंतु जब मैंने अपने बच्चों से पूछा मैं कि कितनी दूर है जगह, कहते हैं पापा ये तो यहाँ जाना रोज जाना सुबह शाम जाना मुश्किल है, और मैं कुछ कह नहीं सकता पर आप देख लो सोच लीजिए,
तो तब तक उन्होंने थोड़ा सा लिटरेचर वगैरह दिया था, तो मैं हम दोनों मैं और युगल पढ़ते रहे, मतलब तो अपना जितने दिन था करवा तो कंट्रोल करते रहे, बस इससे प्रभावित होके हम इसे और बड़ी बहन शीला दीदी से के संपर्क में आने से हमें बड़ा अच्छा लगा। और अच्छा ही लगता है कि बाजार में घूमने से, किसी पार्टियों में बैठने से, हाँ जी, और मन शांत रहने से ये कई चीजें हमने यहाँ रख ली, साफ सुथरी देखी, और लोगों में भी हमारा जहाँ हम कॉलोनी में रहते हैं या जहाँ रहते हैं ऑफिस में, तो भी कहें भैया तो इसमें तो बड़ा बदलाव आ गया, तो क्या बात क्या है, क्योंकि बाजार में झांकियों पे भी जाता है एक अफसर होते हुए भी, हाँ जी, हर तरह साथ, मतलब ये हर एक जगह जाता है और कैसे निकालता है, तो वैसे मतलब इसे अच्छा लगा। प्रभावी थी मतलब संस्था की साइलेंस, वो स्वच्छता है ना, वो एक्सपीरियंस जो आपने यहाँ कर किया, वो सारी चीजें आपको इस संस्था में लेकर आई तो जब आप इस संस्था में आए एज अ टेक्निकल इंजीनियर, उसके बाद आपने अपने वर्क प्लेस पे है ना, क्योंकि आपने कहा कि ड्यूरिंग जॉब ही आपको ज्ञान मिल गया 1995, तो कैसे आपने वर्क प्लेस को मैनेज किया, अपने जो साथी संबंधी थे और अपनी जो स्पिरिचुअल लाइफ, इसको कैसे इन तीनों को बैलेंस कर आप चले? मैं एज ए इंजीनियर हमारी कोई अटेंडेंस नहीं होती, ये चाहे सुबह 24 आवर ड्यूटी होती है हमारी, कभी भी किसी भी जगह बुलाया जा सकता है, चाहे राष्ट्रपति आए, प्रधानमंत्री आए, चाहे देश का कोई नेता आए या कोई भी प्रोग्राम हो, तो हमें हर समय 24 घंटे अटेंड रहना पड़ता है। तो उसी में हमारे आदत पड़ी थी कि भाई ये नौकरी में तो जाना है, और जब भी कहीं कोई बड़ा प्रोग्राम अपना ब्रह्मा कुमारी का होता था, तो वहां से हम बताते थे, उनको पता है भाई ये दिन रात ड्यूटी देने वाला है, तो ऐसा कोई नहीं है भी हम इसको आधे घंटे 2 घंटे के लिए रोक दें, तो कहीं भी, और छुट्टियां जब थी तो हमें बाहर जाने के लिए भी 15 दिन महीने की छुट्टियां मिल जाती थी एज ए जॉब में। बाकी जब बिजनेस में थे तो तब तो कोई बात नहीं, ठीक है, स्टाफ था अपना, तो हम पूरा टाइम निकाल लेते हैं, कोई फंक्शन है। अब जैसे आपने कहा कि फंक्शंस में जाना है, पार्टीज अटेंड करनी है ना, क्योंकि आप जॉब में थे तो सबऑर्डिनेट्स एम्प्लॉइज है ना, सबको साथ मिलकर चलना है ना, तो क्या आपके सामने भी कोई ऐसी सिचुएशन आई ना कि कहें, क्योंकि जब हम ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हैं तो ये लोगों के अंदर कुछ धारणा है ना कि वहां जाएंगे तो खाना पीना छुड़ा देंगे, है ना, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो क्या आपके सामने ऐसा कंपल्शन कोई नहीं होती थी, तो ठीक है, हम बैठ जाते थे किनारे पे जहाँ ना कुछ खाना ना पीना होता है, मतलब तो वैसे ही बैठ जाना और साथ में अपने फोन को भी अटेंड करते रहना, कहीं से कोई कॉल आ जाए, कोई इम्पोर्टेंस है, किसी बिल्डिंग में कोई आग लग गई, किसी बिल्डिंग में कुछ कोई एक्सीडेंट हो गया, तो वो सुनने के लिए जहाँ हमारा कोई और अटेंडेंट बैठता था, हम कहते थे भाई हम यहाँ बैठते हैं, आप करो, हाँ जी, तो उस टाइम में अटेंड कर लेते, बाकी नहीं भी है तो नहीं भी, ऐसा कमर्शन नहीं है, अभी घर से फोन आ गया भाई हम जा रहे हैं बीच में, तो ऐसे मतलब ऐसा कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं था। तो इसलिए एक बार ऐसा हुआ कि मेरी शिमला में पोस्टिंग थी, तो मैंने तो कहा मैं सैटरडे संडे को घर में जाता हूँ, वो कहते हैं ये जॉब ऐसी है यहाँ से आप जा नहीं सकते, मिस्टरों की कोठियाँ हैं, आई सब सकी हैं, मैं कहें मेरे लिए कोई बड़े मायने नहीं है, मैंने जाना है, आपको अच्छा नहीं लगता तो मेरे को कहीं भी ट्रांसफर कर दो। तो फिर आखिर में मैंने ट्राइबल चॉइस किया लाहौल एंड स्पीति, मैं कह ये सबसे दूर है और आपसे भी दूर रहेंगे, ना क्लबों में जाएंगे ना सोसाइटियों में बैठेंगे, तो इसलिए हमें वो जॉब दी है। और देखो बाबा की कृपा हुई कि मेरी जब ऑर्डर हुए तो मेरा अफसर कहता था नहीं मैंने तेरे को अपने दफ्तर में बिठाना है, मतलब उसने पनिशमेंट देनी थी, मेरी कुछ नहीं है, पर मैं उसको बिना बताया क्योंकि मेरे पास तो ऑर्डर थे जे में पकड़ डाला, और दूसरे दिन मैंने ज्वाइनिंग कर की, और ज्वाइनिंग करने के लिए और मेरे से बड़ा अफसर कोई नहीं था वहाँ, तो मेरे ही फिर वो डिप्टी कमिश्नर से बात की, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे वायरलेस में ही नहीं है, कहते हाँ वायरलेस का प्रावधान है यहाँ ज्वाइनिंग के लिए, और तो वहाँ उस जमाने में होता नहीं था कुछ भी, तो जैसे ही मैंने वहाँ ज्वाइन किया तो डिप्टी कमिश्नर कहता है यू आर वेलकम, आप यही आपको ऑफिस दिया जाता है, यहाँ आप स्टाफ के अपॉइंटमेंट कीजिए, जो करना है, मतलब फुली पावर्स जो मैंने ट्राइबल के लिए जो मेरी नेचर थी उसके मुताबिक मैंने इवन 3 दफ्तर जो है अपने पावर से को यूज करते हुए, हाँ जी, तो केलोंग में, उदयपुर में और पांगी एक और डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी कर ली, जहाँ 2 डिस्ट्रिक्ट का 2 डिप्टी कमिश्नर्स या
कमिश्नर मतलब टाइप पोस्ट होती है वो उनके एरिया में अपने ही पावर को यूज करते हुए मैंने वहाँ ऑफिस खोले और लोगों को जो वहाँ चाहिए था मतलब ट्राइबल वालों के लिए, तो मैंने कहा भी जो हमारे से है तो हम प्रावधान कर, तो वो मैं ऐसे मतलब वहाँ भी मतलब अच्छा कार्य करने का मौका मिल गया ज्यादा उस सोसाइटी गंदी सोसाइटी से बैठने से के लिए। जब आप ज्ञान मार्ग में चले या आध्यात्मिकता की राह पर चले तो आपको कभी ऐसा लगा कि कोई ऐसी चुनौती आपके सामने आई जो आपके इस मार्ग में विघ्न रूप बनी और कैसे आपने इस ज्ञान के आधार से ना परमात्म शक्ति के आधार से उसको सॉर्ट आउट किया ना कैसे उसको सॉल्व किया, एक्सपीरियंस है तो आप शेयर कर सकते। मेरे साथ परमात्मा की कृपा है, पिछले जन्म में भी थी, मैंने उनके दर्शन किए थे और इस जन्म में भी दर्शन किए हैं, क्योंकि ऊपर मैं बर्फानी इलाके में रहता था, सुबह 2:30 बजे उठ जाना बस लगा लेना बाबा से टेस्ट, तो मतलब वो हम वहाँ भी मतलब ऐसे लगता है जैसे हम ऊपर ही हैं, क्योंकि नरेंद्र भाई ने सिखाया था कि ऐसे ऐसे करना, ध्यान में बैठना है, कहीं मन को भटकाना नहीं है, तो आप मतलब जो कुछ भी है सबसे ध्यान में। तो उस समय मेरे को उसी कुर्सी में बैठ के मतलब उपराष्ट्रपति भवन में जाके मेरे को एक अवार्ड जो है वो मिला, हाँ जी चीफ सेक्रेटरी SS पोपराय ने हमें वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर जो उसमें मैं काम कर रहा था वो था, और एक बार सारंग यूनिवर्सिटी में भी जाने का मिला, रुड़की इंजीनियरिंग के से भी थोड़े पावर हाउस वगैरह, तो मैं अपना ध्यान जो है उधर लगा लेता था, तो ऐसा कुछ नहीं था मतलब कि मेरे को कोई जिस काम को मैं करना है सोचना है विचार करना है या मेरे को ड्यूटी दी है उस वहाँ टारगेट होता था ट्राइबल में, भाई आपने इतना बजट यूटिलाइज करना है इतना वो करना है, तो मेरा ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी में भी मैं जो चीफ मिनिस्टर के साथ शिमला में होती है उसमें मैं मेरे को डायरेक्टर जो था कहते आप जाइए आप इसको अटेंड कीजिए, तो मुझे वो भी मौका मिला ट्राइबल, तो इसमें मतलब मेरा बाबा का पूरी कृपा से मेरे लिए सभी दरवाजे खुले थे, मतलब जो भी है कि तुम जो भी काम करो हम मैं आपके साथ हूँ, बस उसका बाबा का मतलब आशीर्वाद जो साथ था। आपने कहा कि परमात्मा मदद तो हमें कदम कदम पर मिलती है, कभी आपको ऐसा लगा कि कोई बहुत इम्पॉसिबल काम था संभव कार्य था पर परमात्मा की मदद और आपका जो मेडिटेशन की पावर थी उस जो इम्पॉसिबल काम था उसको पॉसिबल कर दिया, तो ऐसा कोई इंसिडेंट हो तो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? एक बार तो वही ट्राइबल की मैं बात कर रहा हूँ, तो केलॉग सिस्टिंग हम लिस्ट बनती थी फ्लाइट आती थी, उस फ्लाइट में उस जमाने में कभी तो डिफेंस के हेलीकॉप्टर आते थे, जब छोटा हेलीकॉप्टर आता था तो वो 16 आदमियों को ले आता था या कुछ हो गया, तो वहाँ मौसम का बड़ा चक्कर रहता था क्योंकि चुंबक रोहतांग में एक चुंबक है मैग्नेट है जो जहाज या हेलीकॉप्टर उसके ऊपर क्रॉस करता है, तो ऐसे मतलब जो है जैसे हम फ्लाइट स्टार्ट होती है तो उसमें धक्का लगता है हार्ट को, तो ऐसे वो वहाँ भी मैग्नेट जो है वो अपने तक खींचता है, और वहाँ फॉग हो तो जहाज जो है भटक जाते हैं और कई एक्सीडेंट हो जाते हैं, कई बार हुए। तो उसमें फ्लाइट में यही था भी, मैंने बाबा को बोला मैं कहा मैं आज हर हालत में मंडी में पहुंचूंगा, तो फ्लाइट बर्फें पड़ी थी रोहतांग गवर्नमेंट की तरफ से फ्लाइट में प्रावधान था, फ्लाइट आई परंतु मेरा सेकंड लिस्ट में नाम था, तो फर्स्ट लिस्ट में थे जो भी मंत्री वगैरह डिप्टी कमिश्नर SP IG वगैरह सारे, तो मेरा उसमें नाम था, उसमें नाम पे मेरा नाम था परंतु कोई और उससे बड़ा आ गया मेरे से पावर का, तो उसका नाम कार्ड मेरा करके आगे नेक्स्ट लिस्ट में ऊपर टॉप पे था, तो उसमें एक आदमी जो है वो दूसरा नहीं आया जिसने एक फ्लाइट का और था ऑफिसर साइड और दूसरे साइड वो नहीं आए, तो अब वो कहेंगे वो जाए तो 5 मिनट में उड़ने वाला है तो आप कीजिए कुछ प्रावधान, तो मैंने कहा वो कहता मैं रुक नहीं सकता, तो मैं हेलीकॉप्टर पर बैठ गया था, तो अब बाबा ने पहुंचाना था मेरे को कि नहीं भाई तुम तो जाना ही है, क्योंकि फिर वो तो उदनेर में पायलट ने बोला भाई आप नहीं जा सकते सेकंड फ्लाइट आएगी नहीं, जब उसने बोला सेकंड फ्लाइट आई नहीं मैं कहा प्लीज कीप द डोर क्लोज डोर कीजिए मेरी एंट्री है ऑलरेडी ओके मैं उसमें नाम लिख देता हूँ माई सेल्फी जो खुद मैं ऑफिसर हूँ उसका तो बाकी डिप्टी कमिश्नर कोई ना ओके ठीक है, तो उसमें मतलब मैं मतलब नहीं भी होते हुए भी परंतु मेरा योग बन गया
कि आपने जाना है तो ये जाना है, उसके बाद फ्लाइट नहीं हो सकी दो तीन महीने। ऐसा एक और चांस हुआ तो उसे मेरे को पैदल जाना पड़ा उदयपुर से। उदयपुर ये राजस्थान वाला नहीं है, ये केलांग में डिप्टी कमिश्नर ने, वही उसी टाइम वही डिप्टी कमिश्नर था, तो किसी और इंस्टेंट की बात है। तो उसने मेरे को एसटीएम के साथ कहता है आप चाहिए अपना बैग डालिए जीप में और उदयपुर से फ्लाइट आएगी। केलांग से आती, उदयपुर से आती थी, पांगी से आती थी, एक और जगह से आती थी। तो उसमें कहता है आप बैठ लीजिए। तो वहाँ छोटे से 10-15 लोग होते थे उस जमाने में, तो ऑफिसर वगैरह, तो आपका नंबर आ जाएगा। तो वहाँ से जीप पे चले गए फ्लाइट, और कुछ दिन के बाद चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश ने अनाउंसमेंट की, एएन के विद्यार्थी थे वही लाहौल स्पीति के, तो उन्होंने कहा भाई फोक अप टू अप्रैल तक कोई फ्लाइट नहीं आएगी, हेलीकॉप्टर अंडर रिपेयर जो हमारा कंटेक्ट वाला गया हुआ है। अब मैं करता तो क्या करता, वहाँ 4-5 अफसर हैं, बर्फ का दिन है, सारा दिन हीटर सेकना है, तो कहता फ्लाइट नहीं आ रही, तो बड़ा मुश्किल समय था। मैंने बाबा से बोला, मेरा बाबा है कहीं जिन से लोगों से छुटकारा कराओ, और मैं आपके इतने दो कपड़े पहने हैं 6 महीने तक कैसे रह सकते हैं। बस ऐसा किया, वो उस प्रयाग में सुन के दो आदमी और जो थे, वहाँ का एक डॉक्टर था और एक और फूड एंड सप्लाई का कोई ऑफिस छोटा मोटा अफसर था, तो उसने कहा जी मैंने भी जाना घर, तो मेरी भी यही मुश्किल हो गई, मैं फ्लाइट के लिए बैठा हूँ। मैं कहो के सुबह चलेंगे हम, तो मेरे को वहाँ लाल सिंह ठाकुर एक्सिन थे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, वो थे बी एंड आर के, मेरी लाइन और थी। तो उसने कहा भी ठीक है शर्मा आप इस फ्लाइट पे चल जाए, देखो मतलब बाबा का क्या बहाना बनता है। वहाँ से 2 किलोमीटर को वाले को मतलब सिर्फ जीप जो है उसने लिफ्ट दी, और उसके बाद बर्फ जो है जब वो लैंड स्लाइडिंग होती है तो आस्ते आस्ते जमती पानी की तरफ चल जाती है, तो पानी तो दिखाई नहीं दे रहा था नदी में, उसके ऊपर बर्फ थी। आप उसके ऊपर चाहे जीप चलाओ चाहे पैदल जाओ चाहे स्केटिंग करो, परंतु जब एक बार स्केट कर जाती है ना कि बंदा पता नहीं नीचे भी चल जाता है। तो उस तरह से हम चले 3 दिन, मतलब परसू रहे, शिशु रहे, एक दिन तीन दिन रहे, एक दिन परसू, और दूसरे दिन फिंडोरी पांगी किलाड़ में, और उसके बाद जो है इलाका आ जाता है GNK का। तो बाकी मेरे साथ कुछ और जो जा रहे थे मेरे कैटेगरी के इंजीनियर वगैरह, तो उन्होंने कहा भाई हम नहीं जाते, पाकिस्तान को की गोली लगेगी हमें तो हमें मुश्किल हो जाएगी, तो हम नहीं जाना, हम ठीक है यहीं पर, कहते हम सर्दियों के बाद जाएंगे। मैं कह ठीक है। तो ये दूसरा विधान था वहाँ का, और हम वहाँ संसारी नाले तैयारी इश्तियारी संसारी नाला, फिर वो किश्तवाड़ वगैरह आता है इलाका, तो ऐसे काफी इलाके हैं। वहां भी हम गए तो हमने कहा कुछ सौदा लेना, बाहर निकले गो इनसाइड फायर कर लेंगे हम, तो उन दिनों में वो ऐसे थे चले। तो वो भी ऐसा इंसिडेंट रहा कि बाहर घूम के मैंने कहा जी मैं उदयपुर में हूँ, तो मेरी युगल ने फोन सुना, हाँ जी कहते उदयपुर कैसे पहुंच गए, कहाँ लाहौल स्पीति और कहाँ आप राजस्थान में पहुंचे। बड़ी हैरान हुई, मैं कहा कोई नहीं कल बाबा कहेगा तो हम कल परसों तक घर पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं बताओ आप क्या, मैं कहा मैं अभी GNK से आ रहा हूँ। कहते अच्छा, तो वो मतलब ऑन फुट चलते रहे हम। वो था ना जो अपनी पावर गेन करी है ना, हाँ, परमात्मा के साथ अपन कनेक्ट रहते हैं, हाँ, ना तो परमात्मा की जो पावर थी उसके कारण आप इतना चले। हाँ, तो हमने ये भी सुना है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ साथ और भी आप बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़े हैं, तो इतनी संस्थाओं के साथ आप कैसे अपने को शेड्यूल्ड करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, तो कुछ आप समझाएंगे। जैसे आर्ट ऑफ लिविंग है, हाँ जी, श्री श्री रविशंकर है, बाबा रामदेव है, इनको भी एक बार यहाँ बुलाया था मैंने, और वहाँ भी जो मैक्सिमम खर्चा था पड्डल में पहुँचने का, या उनको जो मतलब था उन्होंने प्रोग्राम बड़ा अच्छा किया, मैं भी मिला उनसे, पर मैं अपने ड्यूटियों पे रहा, मैं कोई बाबा के पास नहीं बैठा ना उनको सर्किट हॉस्पिटल ले गया। हाँ, तो मतलब तो पतंजलि भी कई बार गया हूँ मैं, बेंगलोर भी गया हूँ आर्ट ऑफ लिविंग के, मतलब जहाँ कहीं भी हुआ मैं निकल जाता था, छुट्टी मिल जाती थी मेरे को। हाँ, और अपने ये तो घर का मतलब थे तो यहाँ भी अटेंड कर रहे, तो हम देखे जब क्या है, फिर आखिर में लास्ट ये कंक्लूजन निकला कि नहीं, इसी यही हमारा मतलब जो है शिव बाबा ही हमारा
हम इनके मतलब बच्चे हैं जो भी हैं कंटार है इनका पूरा आशीर्वाद है। तो ऐसा टाइम निकल जाता था, हमारी नौकरी ऐसी होती थी 24 घंटे की, परंतु अन लीव और गवर्नमेंट में कैजुअल लीव और कोई स्पेशल लीव ये सब मिला के कुछ मतलब बन जाता था, जिसको मैंने वैसे बहुत कम सर्विस में लिया मतलब ड्यूटी ली। आप इसमें अंदाजा लगाएंगे कि मेरा बाईपास ना स्टंट पढ़ने थे, तो स्टंट पढ़ने में तो सैटरडे को मैं यहाँ ऑफिस लगाया, सैटरडे नाइट बस पकड़ी और दिल्ली चला गया। थोड़ा सा पैसा डाला था जेब में 15,000 रुपया। बेटा कहता मैं भी साथ चलूंगा, मैं कहता तूने कहीं जाना, मैं पढ़ेगा स्टंट डाल दूंगा। नहीं नहीं पापा आपकी तबीयत बड़ी खराब है ये वो, तो छोटा ही था, मैंने कहा क्या इसने क्या कर लेना। एनीवे वहां गए तो बाबा की कृपा देखो, जाते ही सुबह गए 8:30 बजे, वो मैंने अपने रिकॉर्ड दिखाया, मैं कह जी ऐसे ऐसे मेरे को तो हार्ट में ट्रबल है, क्या है क्या क्या करते हैं, मैं कह जी ये करते हैं खाते पीते हैं ये, तो ठीक है वो सारी उन्होंने हिस्ट्री लिखी, बुक तैयार की और मेरी मतलब एक तैयार कर दी। कहते जी 12,000 रुपये जमा करा दिए, मैं करा दिए 3,000 रह गए जी हमें, तो मैंने कहा चलो कहते हैं चलते हैं। देखा जो मैं कहते स्टंट पढ़ने वाले हैं 3, पूरा ब्लॉकेज है। मैं कह मैं नहीं जाता जी, मैं कह मेरे पास बाबा की कृपा है, मैं जब चाहूंगा तभी जाऊंगा, ऐसे मतलब मुझसे वर्ड निकले। तो डॉक्टर मोहंती हैं अपने पंडो से, वो वहाँ नाम नहीं मेरे को याद आ रहा किस हॉस्पिटल में थे हम दिल्ली में, तो हम याद आ गया याद लाल किले के साथ, ठीक है। तो वो कहे नहीं ये तो आपके ब्लॉकेज है, आप बात करो किससे बात करो। मैं किससे बात करनी, वो मेरा भतीजा था दिल्ली में, हाँ छोटा था मेरे से काफी, तो उसने कहा अंकल बात कर लो अपने घर का लैंडलाइन से मिला, तो मैंने लैंडलाइन से बात की उनसे, तो इसी कहती हुई करा लो। मैं कहा पैसे तो 3,000 है मेरे पास, ये तो मैंने वापसी पे आना है। तो डॉक्टर मन से मैंने बात की, मैं कहा मेरे पास चेकबुक है, आप कहें तो मैं चेक बना देता हूँ, डेट इसमें 1 महीने की बात की डालूंगा, आपको दिल करता है मेरे पे विश्वास है तो कर लो ऑपरेशन, मतलब जो स्टंट पढ़ने डालने डाल दो बस। उससे देखो मतलब बाबा कृपा से बिना पैसे के वहां गया और वहां अटेंड करके आ गया। और मेरे को कोई चिंता नहीं, वो तो ये तो है सैटरडे, तो संडे को पढ़ गया, फिर वो सोमवार की इजी मतलब कोई छुट्टी आ रही थी, तो मैं मंगलवार को ऑफिस में अपना पहुंच गया। जैसे नाम नहीं आ रहा मेरे को उसका, वो उसका पटियाल पटियाल था शायद किला चंद था, तो उसने कहा शर्मा और कहाँ कहाँ घूमा है, मैं घूम लिया ये मेडिकल है। कैसा मेडिकल, मैं स्टैंड डाल गो हम 1 महीने तक आप अंदर रेंट नहीं कर सकते, आप जाइए घर में बैठो, ऐसा कुछ नहीं है गवर्नमेंट नौकरी है मेडिकल देते तो हो जाता। पर मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं ठीक काल तो ये फ्रॉड लेके आया सर्टिफिकेट तो मैंने कहा नहीं भाई सब कृपा है बाबा जी। कहता है मैं बीमार हूँ, मैं भी 2-6 महीने बाद जाता हूँ चंडीगढ़, तो मेरा चल रहा है इलाज। चलो एनीवे उसके कहने पे मैं घर आ गया, परंतु मेरे को इतना सामर्थ्य था, इतना स्ट्रांग थी बॉडी मेरी कि कोई मेरे घर में आता था मिसी ड्यूटी जल जाती थी, माता जी भी पता नहीं कहीं चले गए थे, तो मैं उसी जो बंदा आता था उसको बस स्टैंड तक छोड़ने आया था। वो कहता है हम तो आपका हाल पूछने आए, आप हमें चाय पिला रहे हैं और छोड़ रहे हैं। मैं क्या कुछ है? तो मतलब वो मेरी पावर बाबा की कृपा से मतलब ठीक थी। ऐसे कई इंसिडेंट भी हुई है, किडनी का भी एक बार कराया था मैंने तब भी हुई। यानी बाबा जो परमात्मा है वो सर्जनों का सर्जन है। हाँ हाँ सर्जन की वो कैसे हमारी मदद करता है ना, भले ही हमें वो दिखाई नहीं देता है ना, फूल में नहीं दिखाई देता, पर सूक्ष्म में वो हमारे साथ कैसे है, कैसे वो हमारी कैसे, हाँ बस कौन आता है कि जितना जितना हम आगे ज्ञान में बढ़ते जाते हैं उतना उतना हम उसकी परमात्म प्यार की छत्र छाया का अनुभव करते जाते हैं, और यहाँ तक जितना जितना हम आगे बढ़ते हैं उतनी परिस्थितियां भी हमारे सामने आती जाती है ना। कहते हैं ना कि जितना बड़ा इम्तिहान उतना ही क्या उसकी तैयारी करनी पड़े। ऐसे एक बार जम्मू से आ रहे थे तो पठानकोट में रात को आते आते अंधेरा हो गया और 9:30 बज गए, लास्ट वर्ष आ रही थी वहां से मनाली के लिए पठानकोट टू मंडी, पता नहीं बाया चंबा थी या क्या थी, तो अंदर गए तो बस फुल
कोई सीट नहीं, मैं खड़े जा नहीं सकते, मैं तो चल जाऊंगा पर योगिल कैसे रहेगी इतने घंटे खड़े। तो उस टाइम मैं क्या, मैं टिकट लाता हूँ, देखते हैं जो भी है, यहाँ तो मैं क्या उग्रवाद है, रात को तो होटलों में सो ही नहीं सकते। तो युगल ने नाम लिया परमात्मा गॉड, भाई हमें किसी तरीके देख लो जो भी है। और जो जिस सीट पे बैठी थी ऐसे ही एडजस्ट हो गए, वो दो आदमी उठे, वो कहते हैं हमारा तीसरा आदमी नहीं आया, तो उसको सीट नहीं मिली तो हम छोड़ के जा रहे हैं। तो वो देखो मतलब हम जिस सीट पे जिस पे बैठी वो दोनों सीटें खाली हो गई, है नी, कि हमारा यहाँ बैठे रहो, हमारा तीसरा बंदा आया नहीं तो हम नहीं जाएंगे इसमें। तो भाई जी अभी हम कंक्लूड करते हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंस के आधार से है ना, अपने लाइफस्टाइल के आधार से ना, कितने इतने टाइम से आप 1995 से प्रेजेंट थे, अभी ज्ञान में चल रहे हैं है ना, तो आप आज के यूथ को या जो भी जनता है हमारे भाई बहन है उनको अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार से है ना, कि कैसे राजयोग मेडिटेशन ने आपको है ना, जैसे आपने बहुत सारे इंसिडेंट्स तो हमारे साथ शेयर किए, पर कैसे राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास से हम अपनी लाइफ को पीसफुली है ना, घर गृहस्थ में रहते हुए एक शांति के साथ है ना, प्यार के साथ हम अपनी लाइफस्टाइल या अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, तो आप बता सकते हैं। वैसे तो मैं दो तीन बार तो बच्चों को यहाँ लाया हूँ, उनको बाहर क्रिकेट के मैच खिलाए, कुछ और खिलाया, बैडमिंटन के खिलाए, उसके बाद में यहाँ लाया, यहाँ बहन जी ने उनको खाना खिलाया, कुछ और किया, उनको गिफ्ट दिए, हाँ जी, और उनके कंटेक्ट से उनकी मदर, उनके फादर, हाँ जी, कहाँ गए थे बेटा, वो हम शांति में लेके गए थे, तो कैसे है जी, फिर उनकी मदर और फादर वो भी, उनको भी टाइम टू टाइम हम लाते रहते हैं। विचार है मेरा चल रहा कि कहीं कमरा मकान बना के और दिया जाए, पर अभी मतलब मैं कहता हूँ हमारे घर में या पड़ोस में जैसे तड़का लगता है हमारे सामने तो हमें दरवाजे खिड़कियां बंद करने पड़ती है, हैं कि खुशबू आ रही है, मिसी मैं क्या पड़ता आ रहा, पर हवा आ रही है, नहीं हवा हुआ कुछ नहीं, दरवाजे बंद करो, मैं रही है, तो वो माहौल वहाँ थोड़ा ठीक नहीं है। इतना पता है भाई सबको ओम शांति सुबह आते और जाते वो करते हैं जितने भी है, तो टाइम टू टाइम लाए, और कईयों को कई वहाँ तक माउंट आबू तक भी जा चले गए हैं, चाहे मेरे कंटेक्ट से चाहे योग के कंटेक्ट से, तो ऐसा है जब भी होगा तो करेंगे, तो हम तो है ना वॉक इन प्रोग्रेस है, अभी आप कर रहे हैं। हाँ हाँ नहीं वो तो हम वैसे गया था मैं एक बार पीछे, मैंने कहा मेरे को तो यही समर्पित होने दो, सोलर में और इलेक्ट्रिकल का काम मैं करूंगा, या कुछ और पंपों की वहाँ कोई प्रॉब्लम है, कहते हैं पानी जो है पूरा नहीं हो रहा या कुछ, तो मैं क्या होगा तो होगा, अपना तो तब तक कोरोना लग गया, नहीं तो मैंने देखा था कोई पंप वो उससे कुछ करके ऊपर से जो आता है सीवरेज का अपने पानी माउंट आबू में, तो उसमें लग सकता है पंप, तो बातचीत की थी, कार्ड पड़ा हुआ उसका मेरे पास, तो परंतु कोरोना के बाद गए थे एक बार, पर उतना टाइम नहीं था मतलब मिलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, अपने बहुत सुंदर सुंदर एक्सपीरियंस शेयर किए और हमारी ऑडियंस को बताया कि कैसे है ना, लोग क्या सोचते कि जो ये सन्यासी जीवन है या धर्म का कार्य ये हम बुढ़ापे में करेंगे, पर नहीं, मैं तो कहता हूँ बुढ़ापे क्या, बुढ़ापे में भी हमें जाज जोश है, देखा हमने हमारे साथ जो सुबह आते हैं सब 80 के आसपास हैं, और कईयों के कई एक्सीडेंट हुए पीछे कोरोना में हो गए, परंतु बाबा की कृपा से सब स्वस्थ है, कोई हमारे मंडी से है, हमारी कोई इसमें संस्था में जो कोई आता था वो मतलब ठीक। तो भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो में आए, हम ऑडियंस का भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे शो को देखा, हम आशा करते हैं आगे भी हमारी सीरीज को आप कंटिन्यूटी में देखते रहें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ओम शांति।